हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दी वन किचन इक्विपमेंट में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ग्राइंडर जिसमें आप कोई भी हार्ड से हार्ड मसाले ग्राइंड कर सकते हो। हमने यहाँ पर धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, चक्रफूल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा जैसे कई सारे ड्राई मसाले ले लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इन मसालों को मशीन में ग्राइंड करके देखते हैं। इस मशीन की बॉडी के बारे में बात की जाए तो ये पूरी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इस मशीन के होपर कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी 2 किलो की है। इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे और फिर ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। अगर बात करें मशीन के पावर कंजप्शन की तो वो है 4000 वोल्ट। इस मशीन के होपर की कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो वो रहेगी 1 किलो की। इसमें हम हल्दी डाल देते हैं और फिर ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। इस मशीन के पावर कंसप्शन के बारे में बात की जाए तो वो रहती है 3000 वोल्ट की। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम आपको एक के बाद एक सभी मसालों को ग्राइंड करके दिखा रहे हैं। इस मशीन के होपर की कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो ये है 500 ग्राम की। इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। अगर इस मशीन के पावर कंसप्शन के बारे में बात की जाए तो वो रहती है 2000 वोल्ट की। दोस्तों, इस मशीन के होपर की कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो वो रहती है 300 ग्राम की। दोस्तों, इस मशीन के होपर में हमने ज़ीरा डाल लिया है और ज़ीरा डालने के बाद इसके ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लिया है। इस मशीन के पावर कंसप्शन के बारे में बात करूँ तो वो रहता है 1000 वोल्ट का। दोस्तों, मसाला ग्राइंड करते वक्त हमें मशीन को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार शेक कर लेना है ताकि मसाला पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम सभी मशीन को 1 से 2 बार शेक कर रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। दोस्तों, अब जबकि 1 से 2 मिनट हो चुके हैं तो हमें सभी मशीन के ढक्कन खोलकर ये चेक कर लेना है कि हमने जो मसाले ग्राइंड करने के लिए डाले थे मशीन में, उसका फाइन पाउडर हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने जो जो मसाले जिस मशीन में ग्राइंड करने के लिए डाले थे वो 1 से 2 मिनट में बिल्कुल फाइन पाउडर होकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो दोस्त, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, जीरा जैसे सभी ड्राई मसाले सिर्फ 1 से 2 मिनट में बिल्कुल बारीक ग्राइंड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा जैसे सभी ड्राई मसालों को ये मशीन 1 से 2 मिनट में फाइन पाउडर करके देती है। आइए दोस्तों, देखते हैं अब और भी कई सारे ड्राई मसालों को हम ग्राइंड करके इस मशीन में देखते हैं। तो इस मशीन में हमने डाले हैं चक्रफूल। चक्रफूल डालने के बाद हमने ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लिया है। साइड में दूसरे मशीन के होपर में हम डालने जा रहे हैं दालचीनी। दालचीनी ग्राइंड करने में काफ़ी सख्त होती है। तो दोस्तों, दालचीनी डालने के बाद हमने उसके ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लिया है और उसे स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इस मशीन के होपर में हम डालने जा रहे हैं कोकम। कोकम को डालने के बाद हमने ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लेना है और मशीन को स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मशीन में हम डालने जा रहे हैं धनिया। धनिया डालने के बाद हमने ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लिया है और बंद करने के बाद मशीन को स्टार्ट कर लिया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मशीन चलाते वक्त सभी मशीनों को 1 से 2 बार अच्छी तरीके से शेक कर ले ताकि मशीन के अंदर जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से फाइन पाउडर हो जाए। तो दोस्तों, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि हम सभी मशीनों को 1 से 2 बार शेक करने के बाद मशीन को बंद कर लेते हैं और फिर उसके अंदर जो ड्राई मसाले हमने ग्राइंड करने को डाले थे उसे चेक कर लेते हैं कि वो अच्छी तरीके से फाइन पाउडर हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि दालचीनी, चक्रफूल, धनिया जैसे सभी स्पाइस मसाले 1 से 2 मिनट में ग्राइंड हो चुके हैं।
तो दोस्तों इस मशीन की स्पेशलिटी के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो इस मशीन की मोटर की रोटेशन स्पीड 25,000 आरपीएम की है, जिसकी वजह से कोई भी हार्ड से हार्ड मसाले ये 1 से 2 मिनट में आपको फाइन पाउडर करके देगा। आप देख सकते हो कि हमने कई तरह के अलग अलग ड्राई मसाला जैसे कि हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च, धनिया, जीरा, दालचीनी, चक्रफूल जैसे कई सारे मसाले इसमें ग्राइंड करके आपको बताया। आप देख सकते हो कि एकदम फाइन पाउडर हो चुका है इसका, एकदम बारीक पाउडर जैसे कि मार्केट में आपको मिलता है। फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सके। दोस्तों ये तो बात रही ड्राई मसाला की, अब हम इस मशीन के होपर में भिगोए हुए चावल डालकर आपको दिखाएंगे और दूसरे मशीन के होपर में हम डालने जा रहे हैं भिगोई हुई चना दाल। आप देख सकते हैं कि चना की दाल भिगोई हुई है और हम इस मशीन के होपर में डाल रहे हैं। ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लेना है और मशीन को स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि गीले चावल का भी अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक बैटर बन चुका है और यहाँ चना दाल का भी अच्छी तरीके से बैटर बन गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये मशीन में ड्राई मसाला के साथ बैटर भी बन सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इंस्टेंट ड्राई मसाला ग्राइंडर का, जिसमें कोई भी हार्ड से हार्ड मसाले और बैटर अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।